महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और ये पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम इस वक्त गेंदेश्वर महादेव मंदिर में और आप देख सकते हैं कि भगवान शिव को जो विशेष आज श्रृंगार किया गया, जो अद्भुत श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया। तमाम तरह की तैयारियाँ मंदिर समिति द्वारा की गई है। ये पर्व पिछले 5 दिनों का मनाया जाता है। जिस तरह से भगवान शिव की शादियों की तैयारी की जाती है वो ऐसी तैयारी होती है जहाँ पर भगवान शिव को हल्दी भी लगाई जाती है, बारात भी निकाली जाती है और फिर विवाह संपन्न होता है। आज की कई तरह की मान्यता है और ख़ास तौर पर ये बता दें कि आज के दिन जो कुंवारे युवक युवती हैं वो भगवान शिव के अगर दर्शन करते हैं तो उनका विवाह जल्द संपन्न, विवाह जो है वो जल्द हो जाता है। ऐसी मान्यताओं के साथ तमाम भीड़ जो है उमड़ पड़ती है अपनी अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए। भक्त जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में जो भक्त है वो पहुँच रहे हैं। दूध का यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है, जल अभिषेक किया जा रहा है, भगवान को पुष्प जो है वो अर्पित किए जा रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं रहेगी आज की, क्या तैयारियां रहेगी आज की, क्या महत्व है आज के शिव भगवान के, आज के महाशिवरात्रि का, ये हम आज जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो गुरुजी है वो मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं भगवान शिव को लेकर के, आज किस तरह की व्यवस्थाएं, मतलब किस क्या कार्यक्रम यहाँ पर रहेंगे, क्या आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे? आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवधाम मंदिर पर प्रातः 4 बजे महाभस्म आरती की गई थी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का कुछ क्षणों पश्चात रुद्राभिषेक स्वर्ण कलश से किया जाएगा। साथ ही विशेष तौर पर हम शिव विवाह महोत्सव 5 दिवसीय रूप में मनाते हैं। जिस प्रकार एक विवाह संपन्न होता है उसी प्रकार हम भगवान भोलेनाथ की यहाँ शादी करते हैं। पहले दिन गणेश पूजन, दूसरे दिन माता पूजन और तीसरे दिन सब महिलाओं के द्वारा हम यहाँ पर हल्दी और मेहंदी लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है जिस कन्या का विवाह और पुरुष का विवाह नहीं हो रहा हो वो भगवान भोलेनाथ की अगर हल्दी और मेहंदी जो शिव जी को लगी रहती है वो लगाता है तो उसका विवाह आने वाली शिवरात्रि के पहले संपन्न होता है। उसी वजह से हम ये सारा त्यौहार मनाते हैं। आज जिस प्रकार महाशिवरात्रि है, हमने प्रातः 4 बजे भगवान भोलेनाथ की महाभस्म आरती करी थी, अब भगवान का रुद्राभिषेक करेंगे। मेरा सही भक्तगणों से, महाशिवरात्रि पर्व एक ऐसा पर्व होता है जो भक्तगण साल भर भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकता है, वो केवल आज के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एवं पूजन करता है और जल भी चढ़ा देता है। भोलेनाथ एक भगवान देवों में देव, महादेव एक ऐसे भगवान है जिनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जल का लोटा भी नहीं है तो मेरा आपसे अनुरोध है घर के पास में जो भी शिवालय हो वहाँ जाके अपने भाव लेके वहाँ जाएँ, भगवान आप पे कृपा करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आज का दिन फिर साल भर बाद ही आएगा। आज 12 महाशिवरात्रियों में से आज सबसे बड़ी शिवरात्रि है। तो मेरा सभी भक्तगणों से अनुरोध है जो जिस मनोकामना से भगवान का रात्रि जागरण आज का करेगा वो भोलेनाथ का पूजन करेगा। विशेष तौर पर आज पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का बहुत महत्व होता है क्योंकि माँ पार्वती जी ने शिव से विवाह करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया था जिससे उनका विवाह शिव जी के साथ में हुआ था। अगर आज के दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ का जो लड़की अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूजन एवं अभिषेक करती है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। और मेरा सभी से अनुरोध है आज भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, अभिषेक करें। रात्रि 8 बजे हमारे यहाँ महातांडव आरती की जाएगी। मेरा सभी भक्तगणों से अनुरोध है इस महाआरती पधारे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। गुरुजी आज हालांकि भगवान भोलेनाथ खुद भोले भाले हैं लेकिन आज विशेष आपने श्रृंगार किया भगवान का, एक अद्भुत रूप है, स्वरूप भगवान का देखने को मिला। किस तरह का ये स्वरूप है और आज क्या श्रृंगार है? हम जब श्रृंगार करते हैं तो कुछ सोचते नहीं कि हमको क्या करना है। जब शिवलिंग के पास हम जब बैठते हैं तो भगवान के भाव में विभोर होकर हम वो श्रृंगार करते हैं और हम तो नॉर्मल उनको बस सुंदरता, छोटा सा श्रृंगार करके सुंदरता लाना चाहते हैं, पर वो बनने के बाद भोलेनाथ का चमत्कार ही ऐसा है कि उन पर हाथ लगने के बाद कोई भी चीज़ लग जाती है तो वो अपने आप में सुंदर हो जाती है। ये हमारा करने का तरीका नहीं है, ये भगवान की कृपा है, भगवान का पावर है कि हम उन पर श्रृंगार करते हैं और वो अपने आप में अद्भुत हो जाता है। आज तो भांग का कुछ बना, मतलब भांग से श्रृंगार किया है, अद्भुत स्वरूप। आज चारों पहर में चारों श्रृंगार अलग अलग होंगे। सुबह अलग हुआ था, अभी बस भांग का हुआ है, दोपहर में अलग होगा और रात्रि में अलग होगा। हम चारों प्रहर का चारों श्रृंगार करेंगे और अद्भुत श्रृंगार होगा। आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में पब्लिक आ रही है, ये इसी का प्रतीक है कि यहाँ की मूर्ति कितनी प्रतिष्ठित है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि शिवधाम मंदिर में पधारे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो यहाँ नहीं आ सकता आसपास के कोई मंदिर में जाके पूजा कर सकता है। तो वाकई भगवान शिव की अलग ही महिमा है, अलग ही माया है। भगवान शिव की कृपा जिस पर हो जाए उसकी बदल जाती है काया है। बात करें भगवान शिव के आज के महत्व दर्शनों के लिए तो वाकई बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये मनोकामना है, मानना है, गुरुजी का भी कहना है कि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भले वो भगवान शिव को पूरे साल भर याद ना करें लेकिन आज के दिन भगवान शिव के दर्शन मात्र करने से ही उसके बिगड़े काम बन जाएंगे, उसकी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएगी।
तो ये पूरा पर्व जो है 5 दिनों का एक सामान्य रूप में होने वाली शादी के पर्व की तरह मनाया जा रहा है, जहाँ पर भगवान को हल्दियाँ भी लगी है, भगवान को श्रृंगार भी हुआ है, बारात भी निकलेगी और फिर उसके बाद महाआरती भी होगी। भगवान शिव के पास दर्शनों के लगभग लाखों की संख्या में शाम तक भक्त पहुँचेंगे और मंदिर समिति ने तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं वो कर ली है। भगवान शिव के अद्भुत चार रूप संहार से सजाया जाएगा और आज महाशिवरात्रि के इसी पावन पर्व पर भगवान शिव की महाआरती भी संपन्न होगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, एशियन भारत, इंदौर। ओम नमः शिवाय।